अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ दही बल्ले। बल्ले नहीं, बल्लियाँ ही डालनी है बस। ये वाली बल्ले तो नहीं मैं डालती, ना मैं डालूँगी। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये सबसे पहले हमने आलू लिए हैं जो बॉईल करके इनके कट कर लिए हैं। और ये जो बलियाँ हैं ना, इनको हमने बाजार से लिया था और गर्म पानी मैंने भिगो के 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया था और वो ये अच्छी खासी हो गई। और ये खीरे हैं जो मैंने थोड़े से कट किए हैं, टमाटर हैं और प्याज, जिसे मैंने नमक लगा के रख दिया था 10-5 मिनट के लिए और वो थोड़ा सा हो गया, अच्छा टेस्ट आ गया, तो वो कर धोया, अच्छी तरह से वॉश किए हैं। और ये मैंने इमली की जो चटनी बनाई थी वो पड़ी हुई थी अभी, तो मैंने कहा चलो मीठी चटनी ऐड हो जाएगी। और धनिया और मिर्च की चटनी ग्राइंड की थी जो हमने रायता बनाना है इसमें ऐड करने के लिए। चाट मसाला ऐड करेंगे, नमक मैंने रायते के अंदर ऐड कर लिया था। ठीक है, चलें पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। आलू और मिक्स किए बनिए और हम ऐड करेंगे ये ग्रीन चटनी। और साथ में ऐड कर देंगे थोड़ा सा योगर्ट। अगर आप चाहें तो दही के अंदर ही पहले चटनी बना लें फिर ऐड कर लें, वो भी ईजी है। इस तरह भी ही ईजी है। अच्छी तरह से अब हमें इसे मिक्स कर लेंगे। हमने नमक जो था वो ऐड कर लिया था। और अब इसमें हम थोड़ा सा खीरे ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे, प्याज, और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है सब चीज़ों को। बहुत इजी बनते हैं, घर में भी बनाया करें। बाज़ार से लाने से वो बल्ले जो होते हैं वो भी बेसन के बना के फ्राई करें, फिर बाद में ठंडे पानी में उन्हें रख दें तो वो भी बड़े अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे ज़बरदस्त बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप भी घर में ज़रूर बना के ट्राई करें। थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी ऐड किया है, अब आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए जी, और अब हम इसके ऊपर इमली की जो मीठी हमें चटनी बनाई थी हम इस तरह वो ऐड करेंगे। अपने अपने हिसाब से, अगर आप चाहें तो चने भी बॉईल करके ऐड कर सकते हैं। देखें बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे बने हैं। तो ये देखिए, तो मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ज़रूर मुझे बताइएगा कैसा बने हैं।